चैनल देसी गर्ल्स रिएक्शन। सो अभी मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली वो वीडियो है कैरी मिनाटी का, और ये वीडियो का नाम है स्कूल ट्रिप ऑफ द ईयर। मुझे थोड़ा मतलब इसमें फन टाइप वीडियो लग रहा है, और कैरी मिनाटी का है, और ऑब्वियसली है वो तो कॉमेडी का पंच बॉक्स से, मतलब इतना आप फन करते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो जाके रेड बटन को क्लिक कीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, वो भी जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना आज का वीडियो कैसा लगा है। और गाइस और एक चीज़, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो पक्का वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे, और अपनी उंगलियों की मदद से आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो के बीच में मत छोड़ना प्लीज़ यार। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Here we go। तो कैसे हैं आप लोग? स्कूल जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त होता है। स्कूल में ही तुम्हें पता चलता है तुम्हारी कोई औकात नहीं है। स्कूल में ही तुम कभी ना काम आने वाले दोस्त बनाते हो जिन्हें बोतल में भवंडर पैदा करने के अलावा कुछ नहीं आता। स्कूल में ही तुम ये अल्फाज सही है। पहले बड़ा ब्रैकेट खोलूं या छोटा खोलता हूँ? अरे नहीं, लेकिन बड़ा तो बड़ा है ना, बड़ा पहले खोलना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर छोटे ये मुझसे लड़ा नहीं होगा। खैर, इन सबके बीच में एक चीज है जो बच्चों को एक्साइटेड कर देती है, उनका मूड बना देती है, उन्हें कुछ पलों के लिए खुश कर देती है। Seriously, I love my school life यार। स्कूल ट्रिप एक ऐसी बकचोदी है जिसका इंतजार हर बच्चे को होता है। जैसे ही ट्रिप का फॉर्म मिलता है दिमाग उसे देख के कहता है इस बार तो मचाइए। ग्रुप उसी दिन बन जाते हैं, कौन किसके साथ सोएगा, मेरा मतलब है रूम शेयर करेगा, इस बात का फैसला उसी दिन हो जाता है। राजू आजा, श्रीवास्तव आजा। So आप में से कितने लोग मतलब स्कूल ट्रिप में गए? मैं लाइफ में कभी स्कूल ट्रिप में नहीं गई हूं। तुझे पता है वो अजीब तरीके से छूता है मुझे यार। तू जब भगता है पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। पिछली बार भी तूने ये किया था, हमें सुनील सर के कमरे में सोना पड़ा था यार। मान जाना इस बार नहीं हगूंगा ना। ठीक है, अगली बार मत बोलियो भाई। पैसे हैं खिला दे यार, समोसा ले आ, श्रेया का नंबर दे दे, और वो होमोसेक्सुअल वाला एक्सपेरिमेंट जो चुप। ठीक है यार, आ जाता राजू दिमागी चुप। अब कभी कभी जब थोड़े बड़े क्लास की ट्रिप जा रही होती है तो स्कूल वाले सोचते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का अनुभव और अच्छा हो। लॉन्डे लॉन्डियों के होटल अलग अलग कर देते हैं, ऐसा लगना चाहिए दो अलग अलग ट्रिप जा रही हैं। मतलब ये सोचते क्या है, बच्चे तो पूरे होटल में सेक्सी सेक्स मचा देंगे, 2 स्टार रोजविल हॉलीडे को रोजविल कोठा बना देंगे। 1 साल बाद बच्चों के अपने बच्चे होंगे। स्कूल वालों को कुछ आता हो ना आता हो, बंटवारा बहुत अच्छे से करना आता है। वो आ गया, देखो वो आ गया। अब वो दिन आ चुका है जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था। तुम्हें सुबह 4 बजे उठना था, लेकिन तुम तो सोए ही नहीं हो क्योंकि दिल में लड्डू नहीं परमाणु बम फूट रहे हैं। ठीक 1.5 घंटे बाद तुम स्कूल में हो और सबके साथ बस में बैठे हो। ड्राइवर बस का इंजन ऑन करता है और बच्चे कतई पागल तहस नहस हूटिंग चल रही है, जैसे ड्राइवर जस्टिन बीबर हो और अपने मुंह से इंजन की आवाज निकाल रहा हो। और साला ड्राइवर भी पूरा भाव खाता है, एक बार में बस स्टार्ट नहीं करेगा ना, इंजन को बार बार ऑन ऑफ करता रहेगा जब तक बच्चे हाइप नहीं हो जाते, जब तक एक बच्चा इट्स लिट ना चिल्ला दे। आखिरकार बस चलती है, कुछ बच्चे आगे टीचर्स के साथ बैठे है तो कुछ बच्चे अपने हरामी दोस्तों के साथ पीछे। आगे हमेशा एक ऐसी बच्ची बैठती है जिसे टीचर्स के साथ सोशलाइज करना होता है। सर टुडेज वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल। और पूरी थूत का स्पोर्ट्स टीचर बोलता है यार व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। और पीछे बैठे बच्चे लौंडे एक दूसरे में उंगल कर रहे होते हैं। तो अजय तू अपने बाल कहाँ कटाता है यार? सैलून में। अच्छा, और सर के ऐसे ही बच्चे बड़े होके मंदिर ये डबल मीनिंग था। और कुछ बच्चे सोचते हैं इस लंबे सफर में क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए जिसमें सिर्फ वॉल्यूम 1 ही गाएंगे। भूख मारूं तेरे से कूदने का भूत उतारूं, मुंह में अपना पकोड़ा देके शूट मारूं। फिर एक मासूम बच्चा कहेगा भाई तुझे पूरा गाना आता है। ओहो हो, अगर ये वीडियो एक मूवी होती तो सबसे पहले मैं इसे बनाता। आई लव यू रोनाल्डो, आई लव यू अमेरिकन टूरिस्ट। सचिन तेंदुलकर आई लव यू। अब मुझे नहीं पता स्कूल कैसे चलता है और उसे कौन चलाता है, प्रिंसिपल या कैंटीन वाले पाजी, लेकिन इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अमेरिकन टूरिस्ट हैं जिन्हें देश की ऐतिहासिक जगहें देखने का शौक है और टीचर्स उनके बारे में ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने खुद बनवाया। वो देखो बच्चों ताजमहल, तुम्हें पता है सफेद मार्बल से बना है? नहीं, हमें लगा शाहजहां की जवानी का कमाल है। वो देखो बच्चों कुतुब मीनार, जो इसकी चोटी पे सबसे पहले पहुँचेगा उसे मिलेंगे 17 रुपए, ये ले 20 रुपए हमारी तरफ से तू होया। वो देखो बच्चों लाल। अरे यही सब थोड़ी ना करते रहेंगे। खैर हर स्कूल ट्रिप में बच्चों को कुछ वक्त दिया जाता है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन बच्चे शॉपिंग नहीं, ऐसा लगता है पोचिंग की में लूट मचा रहे हैं। कतई फालतू चीजें खरीदेंगे जैसे कि छर्रे वाली गन, प्लास्टिक वाला तीर कमान और बिजली वाली चुइंग गम। एक तो ये इतनी वाहियात चीज बनाई है ना, आज भी कोई चुइंग गम देता है तो कान फटती है, साला करंट तो नहीं लग जाएगा। खैर ऐसे ही चटर मटर चीजें लेने में सारे पैसे खत्म। ये होता था पहले के टाइम पे, जब भी कोई चुइंग गम पकड़ता था और जल्दी से करंट लग जाता। माय गॉड, वो एक्सपीरियंस सच्ची में हॉरिबल है यार। मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, मेरे फ्रेंड ने किया है, टीचर ने किया है। इतना तक जैसी लाल हो रखी है, लेकिन जोश इतना है कि शरीर को बहने नहीं दे रहा है। अब कमरे में जाते ही एक इंसान थोड़ा लेटता है, आराम करता है, थोड़ा चिल करता है, लेकिन यहाँ बात रग में बच्चों की हो रही है जो क्लास में बैठे उल्टे पुलटे सपने देखते रहते हैं। काश स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो जाए, सब मर जाए सिवाय रूपाली के, और फिर जो शक्तियाँ मुझे निंजा हथौड़ी ने दी है उनसे मैं सारे टेररिस्ट को मार दूंगा। उस चक्कर में पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा और मेरी टी शर्ट भी फट जाएगी, जिससे मेरे 12 बैकअप्स रूपाली को दिखेंगे। मैं रूपाली का हीरो बन जाऊंगा और 3-4 महीने तक स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। What a dream! ऐसा सोचने वाले लोग एक जगह नहीं टिकते। पूरे होटल में ऐसा लगता है शादी हो रही है, एक दूसरे के कमरे की घंटी बजा के भाग रहे हैं और कुछ की तो लड़ाई हो गई। भोसड़ी के तुम मेरे कमरे में कैसे आए? चांटों की बरसात हो गई। गुत्थम गुथाई के चक्कर में कमरे का पंखा ही गिर गया। होटल वाले भी अचंभित हो जाते हैं। सीलिंग पे फिर टीचर आते हैं, सब में 2-2 चाटे लगाते हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम लड़ाई का हिस्सा थे या नहीं, पंखे का पैसा वसूलते हैं और फिर वापस अपना वही जो टीचर्स ट्रिप पे नहीं आया उनकी खिल्ली उड़ाना। यही करते करते शाम से रात हो जाती है और रात में होती है ढिचिक ढिचिक बच्चा पार्टी। इस बच्चा पार्टी में तुम्हारा मकसद होता है कोल्ड ड्रिंक पी के नाचना, और कुछ बच्चे ऐसे बर्ताव करते जैसे उन्हें चढ़ गई हो। अरे भोसड़ी के फैंटा पी है तूने, एक बार को गैस हो सकती है, नशा नहीं। अब जब बच्चे पसीनों में नहा लेते हैं, बीड़ी जलाइले पे नाच नाच के बावड़े हो चुके होते हैं, तब बारी आती है भोजन की। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता पर मेरी बारी में हमें बहुत ही टट्टी होटल में रुकवाते हैं। साला खाने के आइटम को देखकर मन ही नहीं करता है सब प्लेट में डाल दो, लेकिन खाना पड़ता है क्योंकि अगर तुम टीचर से बोलो सर फूड इज वेरी बैड, बेटा बाकी सब भी तो खा रहे हैं ना, तुम कोई नवाब हो? अरे अगर सब को खा रहे हैं तो मतलब मैं भी खाऊं, ये कैसा पीयर प्रेशर है? और अगर मैं थोड़ी जिद करूँ ना, सर मेरे डोसे में 3 अलग अलग रंग के बाल निकले। देखो बेटे ये एक गेम है, मेरे डोसे में 4 अलग अलग रंग के बाल निकले, मैं जीत रहा हूँ। खैर यही सब करने में पूरी ट्रिप खत्म हो जाती है। अंत में मैं बस यही कहूंगा, अगर तुम स्कूल में हो तो इस वक्त को एंजॉय करो और स्कूल ट्रिप पे जाओ यार, ताकि तुम दुनिया देख पाओ। ऑब्वियसली गाइस, मैं भी आपको बोलूंगी कि जो टीनेजर है स्कूल लाइफ अच्छे से जी लो यार। खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब। ऑब्वियसली मैं इसको लाइक करने वाली हूं, आई रियली लव दिस। या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे जेसीबी की खुदाई देखनी है। बाय। मोहित खुदाई खत्म तो नहीं हुई अभी तक, आ रहा हूँ मैं, मेरे बिना मत देखियो। ओह यस, खुद खुद ओह खुद। आई लव यू साकिरा, आई लव यू गाइस। लिटरली मतलब ऐसा सही में होता है क्या यार? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आज का वीडियो कैसा हुआ है, ये भी बताना। और गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या CarryMinati ने इसमें बोला है। अब मुझे हंसी भी आ रहा है, मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ अगर सही में ऐसा होता है। सबसे लास्ट वाला सीक्वेंस सबसे बेस्ट था, जब वो डोसा वाला फैक्टर खाने में बाल, ओ माय गॉड 3 बाल मिलते, ओ गॉड शिट शिट, इट्स फील जर्क यार। गाइस आपको कौन सा इस सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस आपको सबसे अजीब लगा या कॉमेडी लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। और आज का वीडियो इसी तरह से ख़त्म होता है। सो गुड बाय टिल देन, टाटा।